जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। नई दिल्ली में आचार्य महाश्रमण के दीक्षा कल्याण दिवस पर भव्य समारोह आयोजित किया गया। नई दिल्ली में 13 पंथ सभा द्वारा आचार्य महाश्रमण के दीक्षा कल्याण दिवस के अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में दिगंबर आचार्य सुनील सागर, आचार्य विभक्त सागर, एलक विज्ञान सागर, मूर्ति पूजक, गच्छाधिपति धर्म धुरंधर, स्थानक वासी संप्रदाय के उत्तर भारतीय प्रवर्तक सुभद्र मुनि, उप प्रवर्तक आनंद मुनि के साथ साध्वी अणिमा श्री एक साथ उपस्थित हुए। समारोह में मुनि कुमल कुमार ने अपने आराध्य देव के प्रति ओजस्वी वाणी से अंतर उद्भार व्यक्त करते हुए कहा कि आचार्य महाश्रमण ने अपने त्रिसूत्री आयाम के द्वारा केवल जैन को ही नहीं जन जन को प्रभावित किया है। आपने देश विदेश की लंबी यात्राएं करके अनगिनत लोगों को जीने की कला सिखाई। आपके कुशल नेतृत्व में सारा धर्म संघ स्वस्थ मस्त और संयम साधना में गतिमान है। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। एक ऐसी दिव्य जाति, एक ऐसे मसीहा, एक ऐसी शख्सियत है जिसने जैन समाज के साथ साथ जैनेतर समाज को भी अपने जीवन अपने जीवन को समुन्नत बनाकर संघ समाज के समक्ष एक आदर्श उपस्थित किया है। आचार्य महाश्रमण के गुणों को कहना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आचार्य महाश्रमण ने जो संत समाज के लिए जो कार्य किए हैं, पूरा जगत जैन समाज उसके लिए उपस्थित है। आचार्य महाश्रमण महाराज साहब के उनका भी एक नाम महाश्रमण, महाश्रमण भी महाराज साहब का जीवन आदर्श है। तो हमें उनका ये जो विशेषण महाश्रमण है, हमें तो हमें कुछ मैसेज देता है, हमें कुछ संदेश देता है। महाश्रमण की महाराज साहब के इस विशेषण में अगर इंग्लिश भाषा का प्रयोग करें तो 11 वर्ड है। पहला वर्ड है मैं, पहला वर्ड है एम, इंग्लिश के हिसाब से एम है, और एम महाश्रमण का एम हमें मैसेज देता है कि हमें और आपको अपने जीवन में मैच्योरिटी लेकर आनी चाहिए। एम फॉर मैच्योरिटी, समझदारी, सूझबूझ, जिसको जैन दर्शन में विवेक के नाम से बोला है, और विवेक शास्त्र का मूल है। सत्ता बारंबार इसी तरह उत्सव मनाए, मानवता का मान बढ़ाए, सब तत्पर बन जाए। महाश्रमण तो महाश्रमण है, महाश्रमण तो महाश्रमण है, गुणगन के उदार खूब बढ़ाई तो महाश्रमण है। कृष्णों का क्या पार, हृदय खोलकर स्वागत करता सबका पार। हमें हमारे गुरुदेव के संप्रदाय के गच्छाधिपति धर्म धुरंधर जी महाराज अपनी ओजस्वी वाणी से प्रभावित करेंगे आपको। आप मुझे बताते हुए खुशी है, हम सब कहते हैं, हम लोग कहा नहीं गए, वहां पर धर्म धुरंधर जी महाराज जा पाए, वहां पर पाकिस्तान, वहां पर जा पाए पाकिस्तान, हम लोग तो शायद हिंदुस्तान, और मैं तो नेपाल और भूटान तक जा पाया, ये तो पाकिस्तान में जाता है। और मुझे विश्वास है कि ये अपनी मधुर वाणी से हमें सबको अपना सुंदर प्रेरणा वाक्य प्रदान करेंगे, और उसके बाद में आचार्य विभक्त साधु जी से जाते। 13 पंथ के 11वें आचार्य आचार्य महाश्रमण जी, जिनका दीक्षा कल्याण महोत्सव एक वर्ष तक पूरे देश में आयोजित हो रहा है। भारत की राजधानी दिल्ली में मुनिश उग्र विहारी तपोमूर्ति मुनि श्री कमल कुमार जी और साध्वी श्री अणिमा श्री जी के पावन सानिध्य में इस भव्य सभागार में, इस सभागार में चारों संप्रदायों के आचार्य भगवंत यहां पर आज उपस्थित थे। और यह कार्यक्रम यहां पर गांधीनगर सभा और दिल्ली सभा सब लोगों ने मिलकर यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया। इस कार्यक्रम से जो एक संदेश जाएगा अहिंसा का, मैत्री का, नशा मुक्ति का, आचार्य महाश्रमण जी ने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी अहिंसा यात्रा प्रारंभ की, जो भारत की राजधानी लाल किले के प्राचीर से वो प्रारंभ हुई, और लगभग 55,000 किलोमीटर
की यात्रा 3 देश 20 राज्यों में वो यात्रा हुई और अहिंसा, सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति के उद्देश्य से वो यात्रा प्रारंभ हुई। ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी युग प्रधान महातपस्वी आचार्य महाश्रवण जी का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आज यहाँ पर दीक्षा कल्याण महोत्सव का आयोजित हुआ। पूरा समाज यहाँ पर उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम में भाग लिया। और दूसरा, जो आगामी हमारे 2550वां भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव इस दीपावली से प्रारंभ हो रहा है, 1 वर्ष तक पूरा जैन समाज उत्साह के साथ भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव मनाएगा। हम लोगों ने अपने जीवन में, हमारे को ये दूसरा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज से 50 वर्ष पूर्व 1974 में जब 25वां निर्वाण महोत्सव भगवान महावीर का मनाया गया था, भारत सरकार ने उस समय एक बहुत बड़ा भूखंड जैन समाज को प्रदान किया। पुनः आज भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान महावीर ने जो अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह का जो संदेश दिया 2550 वर्ष पूर्व, आज उसकी ज़्यादा प्रासंगिकता है। आज विश्व में जो अशांति है, जो हिंसा का वातावरण है, जो युद्ध का वातावरण है, उन सब के लिए भगवान महावीर का अहिंसा का संदेश है, वो एक समाधान है। हम लोग सब सौभाग्यशाली हैं कि इस कार्यक्रम को भारत सरकार भी आयोजित कर रही है। 26 नवंबर 2024 को इंदिरा गांधी स्टेडियम में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ये भगवान महावीर का 2550वां महोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा। मैं आपके माध्यम से संपूर्ण समाज से ये निवेदन कर रहा हूँ कि उस दिन सारा समाज वहाँ पर उपस्थित रहकर उस गरिमामय कार्यक्रम को आप लोग सब लोग मनाएं, ऐसी हम आप लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं। ओम और आज विश्व में जो हिंसा का वातावरण जो फैल रहा है, उसमें 2500 साल पहले भगवान महावीर ने जो अहिंसा और अनेकांत का संदेश दिया था, वो बहुत ही प्रासंगिक है। जैन धर्म के विभिन्न आचार्य इस कार्य को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। आज अपेक्षा इस बात की है कि हम सभी भगवान महावीर के 2550वें कल्याणक महोत्सव को इस रूप में बनाएं कि अहिंसा का सिद्धांत, अनेकांत का सिद्धांत और अधिक व्यापक हो और विश्व में शांति का वातावरण बने। ओम राम। धन्यवाद। आज 13 पंथ के 11वें आचार्य श्री महाश्रमण का 50वां दीक्षा दिवस था। आचार्य तुलसी द्वारा दीक्षित आचार्य महाप्रज्ञ से द्वारा उसने ट्रेनिंग ली और वो आज से करीबन 13 साल पहले 13 पंथ धर्म संघ के आचार्य बने। आचार्य बनते ही उन्होंने दिल्ली से लाल किला से अहिंसा यात्रा शुरू की। 2 देश 20 स्टेट घूम के वापस सासन माता के देवलोक होने पर, महाप्रयाण होने पर दिल्ली आए, तब उन्होंने तालकटोरा स्टेडियम में इस अहिंसा यात्रा का समापन किया। नैतिकता, नशा मुक्ति और चरित्र निर्माण के समय लगे हुआ इस आचार्य श्री ने करीबन 55,000 किलोमीटर से ज़्यादा पद यात्रा की और मैक्सिमम एक दिन में 47 किलोमीटर की भी पद यात्रा की। इनका जीवन समाज के नहीं, प्राणी मात्र के लिए समर्पित है। कैसे समाज के प्राणी मात्र की जीवन की रक्षा हो सके, कैसे समाज में कुरीतियाँ हट सके, उसके लिए था। हमारे कर्मशील तत्व अपने मुनि श्री कमल कुमार जी ने स्वामी ने बहुत मेहनत करके चारों संप्रदाय के ही साधुओं को यहाँ बुला के उन चारों साधुओं के संपर्क से, उनके सानिध्य में इस कार्यक्रम को अंजाम किया। ये अपने आप में अनूठा है। इस कार्यक्रम के साथ साथ चारों समाज के दिगंबर, श्वेतांबर, स्थान निवासी और मूर्ति पूजक समाज सभी इस कार्यक्रम में आए। हमारे सुनील सागर जी और गच्छाधिपति धर्मधुन जी महाराज आदि भी इन्होंने अपना यह लिया। भगवान महावीर के 2550वें धर्म कल्याण के बारे में ही हमारा कहना यह है कि भगवान महावीर के 4 पुत्र हैं, 4 परंपराएं हैं, लेकिन दादा तो एक है। हम अपने दादा की जीवन का महोत्सव चारों भाई मिलके मनाएं, कोई एक भाई नहीं मनाए। एक भाई मनाने से उसका वो ग्रेस नहीं आएगा जिससे वो इंडिया में नहीं, देश में नहीं, विदेश में प्रसारित हो सके, और उसका उतना हम नहीं दिखा सकेंगे। उस कार्यक्रम के लिए भगवान महावीर मेमोरियल जो चारों समाज की प्रतिनिधि संस्था है, जहाँ चारों समाज के बराबर इक्वल मेंबर है, इक्वल पार्टिसिपेशन है, उस संस्था को अगर दायित्व दिया जाए तो वो भी इस काम को करने के लिए सही होगा। कार्यक्रम सरकार का होगा, सरकार जिसको दायित्व दे वो संस्था उस कार्यक्रम को करने के लिए।
बहुत ही इनकी जो प्रगति है जी, जो आज कार्यक्रम रखा है भव्य कार्यक्रम है, जैन समाज के चारों विंग दिगंबर सितंबर तेरा पंथ मूर्ति पूजक चारों को एक मंच पर सामूहिक कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम में बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कमल मुनि जी महाराज जी का प्रयास उनको साधुवाद। आचार्य महाशर्मन जी के 50वें वर्ष में दीक्षांत समारोह पूरे भारत में ये मनाए जाए ऐसा प्रयास है। आचार्य महाशर्मन जी से मिलने का मुझे, उनको सुनने का, उनके सानिध्य में बैठने का, उनके चरणों में बैठने का अनेकों बार अवसर मिला है। और जिसमें से वो तुलसी जी और महाप्रज्ञा जी की दोनों की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।